बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको फ्रूट कैरमल डिज़र्ट बनाना सिखा रही हूँ, तो चलिए आइए जल्दी से। सबसे पहले नोट डाउन कर लेते हैं इसके इंग्रेडिएंट्स। यहाँ पर मैंने 1 लीटर मिल्क ले लिए, यानी कि 1 लीटर दूध, कैरमल मिक्स यूज़ कर रही हूँ 2 बॉक्सेस, यानी कि 2 डब्बे। इसके अलावा यहाँ पर मैं ओरियो बिस्किट्स यूज़ कर रही हूँ, आप इसके बजाय मैरी बिस्किट्स या अपनी पसंद के कोई भी बिस्किट्स यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर मैं फ्रूट्स यूज़ कर रही हूँ, आप अपनी पसंद के या जो भी आपकी कंट्री में अवेलेबल हैं आप वो फ्रूट्स यूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर 1 एप्पल यानी कि 1 सेब, 1 बनाना यानी कि 1 केला, बिग साइज़ कीवी, स्ट्रॉबेरीज 7 to 8 यानी कि 7 से 8, और इसके अलावा यहाँ पर मैं मिक्स कॉकटेल यूज़ कर रही हूँ, आप इसकी बजाय फ्रेश फ्रूट कोई भी यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पर ड्राई फ्रूट्स में मैं थोड़ा सा मैंने आमंड फ्लेक्स और पिस्टेचू फ्लेक्स ले लिए, यानी कि पिस्ता और बादाम। तो चलिए आइए इसको रेडी करते हैं। अच्छा, ये देखिए मैंने यहाँ पर जो दूध है वो मैंने एक पैन में डाल दिया है, और मैंने अभी इसके नीचे आग नहीं खोली। और एक चीज़ मैं आपको दिखाना भूल गई थी कि कस्टर्ड पाउडर मैं 2 टेबलस्पून यानी कि 2 चम्मच यूज़ कर रही हूँ, और इसके अंदर मैं इसी दूध में से ही तकरीबन 3 से 4 चम्मच दूध लेकर मिक्स कर लूँगी। और ये देखिए मैं इसके अंदर मिक्स कर दूँगी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और इसको मिक्स कर लूँगी इसमें, और साथ ही ये जो कैरमल मिक्स है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ये भी बीच में ऐड कर दूँगी, और इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। और अब मैं इसकी फ्लेम ऑन कर रही हूँ, और इसको बॉयल आने के बाद तकरीबन 4 से 5 मिनट तक मैं इसको मीडियम टू हाई फ्लेम पर कुक कर लूँगी। अच्छा, ये देखिए ये बॉइलिंग पॉइंट पे आ गया है, अभी पकना स्टार्ट हो गया है, और इसको आपने मिक्स करते जाना है ताकि ये नीचे ना लगे। देखिए तकरीबन 4 से 5 मिनट हो गए हैं, अब मैं इसकी आग बंद कर दूँगी। अब यहाँ पर मैं ये जो पिस्ता और बादाम है इसको मैं ड्राई रोस्ट कर लूँगी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए बस 1 मिनट में इसके ऊपर कितना अच्छा सा कलर आ गया है, बस इसको अब मैं निकाल लूँगी। ये देखिए कोई सा भी आप मोल्ड ले लें, इसके अंदर सबसे पहले ये फ्रूट्स ऐड करेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये स्ट्रॉबेरीज ऐड कर रही हूँ, और ये कीवी, ये जो फ्रूट कॉकटेल है, और ये मैंने सेब और केले काट लिए थे ये भी मैं ऐड कर दूँगी बीच में, और ये बिस्किट ये आप तोड़ के डाल लें, जितना भी आप पसंद करें अपने हस्बैंड ज़रूरत है आप डाल सकते हैं। अब ये जो हम लोगों ने ये कैरमल बनाया था ये इसमें डाल देंगे। इसको मैं रूम टेम्परेचर पर ठंडा कर लूँगी, उसके बाद इसको मैं फ्रिज में रख दूँगी तकरीबन 3 से 4 घंटे के लिए, या जब तक के लिए जब ये ठंडा हो जाए। ये देखिए डिज़र्ट को मैंने तकरीबन 3 से 4 घंटे फ्रिज में रख दिया, ये अच्छी तरीके से ठंडा हो गया। अब इसको हम डिश आउट करेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए माशाल्लाह ये कितना अच्छा रेडी हो गया। इसके ऊपर अब थोड़ा सा डेकोरेशन कर देंगे, ये जो हमने ड्राई रोस्ट किया था पिस्ता और बादाम, और इसकी जो कैरमल टॉपिंग है इससे थोड़ा सी डेकोरेशन कर देंगे। ये लीजिए बहुत ही मज़ेदार फूड कैरमल डिज़र्ट रेडी है। जाने से पहले एक हदीस पाक आपसे शेयर करती चलूँ। ये हदीस मसनद अहमद से ली गई है, हज़रत मुआज बिन जबल रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये इरशाद फरमाते हुए सुना, जो शख्स अल्लाह ताला से इस हाल में मिले कि वो इनके साथ किसी को शरीक ना करता हो, 5 वक्त की नमाज़ पढ़ता हो और रमज़ान के रोज़े रखता हो, इसकी मग़फ़रत कर दी जाएगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह खैर।